अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको चिकन चाइनीज़ समोसा बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और मैंने आधा किलो चिकन लिए, उसका मैंने बिल्कुल बारीक कीमा नहीं है, थोड़ा मोटा कीमा लिया है। इसके अंदर मैं एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसको मैं तलूंगी, इसका पानी खुश्क होने तक तलूंगी इसको। जब तक इसका पानी खुश्क होगा मैं इसको फ्राई करूंगी, ये पूरा वाइट हो जाए। जब ये मेरा कीमा वाइट हो चुका है, अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। ये मैंने चिली सॉस डाला है एक चम्मच, सोया सॉस डाल दी दो चम्मच, काली मिर्च डाल दी हूँ एक चम्मच और वाइट मिर्च भी डाल दी हूँ एक चम्मच, और नमक भी मैं एक चमची डाल दी हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डालें। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये चिकन का पानी है हमारा खुश्क हो गया और चिकन भी जल गई है हमारी। अब हम इसके अंदर एक कप गाजर है, और आधा कप शिमला मिर्च है, दोनों को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। दो तीन मिनट इसी तरह फ्राई करूँगी। दो तीन मिनट मैंने फ्राई कर लिया कीमा, अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी बारीक कटी हुई। दो कप मैंने डाली है बंद गोभी, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस मिक्स करके मैं निकाल लूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी मिक्स करके, क्योंकि मुझे कैबेज को जो है वो ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि इसका करंट जो है वो हमारा बाकी रहे सब बंद गोभी का, बस इतना ही पकाना है। समोसे की फिलिंग मेरी तैयार हो चुकी है, मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, अब इसको मैं समोसे के अंदर फिल कर लूँगी। मैंने एक प्याले में गरम पानी लिया है, बहुत तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम है, उसके अंदर मैं ये आटा जो है इसको घोल बना रही हूँ। इसका गरम पानी में करने से ना बहुत अच्छा सा ये घोल बनता है और इसके अंदर चिपक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये समोसे को फोल्ड कर रहे हैं, ये नोक पकड़ के मैंने ऐसे घोल बनाया है, पॉकेट मैंने ऐसे पॉकेट बना ली। अब इसके अंदर हम समोसे का जो मैंने फिलिंग बनाई थी उसको मैं भर दूँगी, फिर इसको मैं जो है हाथ से थोड़ा सा दबा के फिर इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह। ये मैंने घोल लगाया और इसको बना दिया, ये मेरा समोसे जो है वो आपका तैयार हो गया। मैं इसको समोसे को फ्राई कर रही हूँ मीडियम से थोड़ा कम पे, मैंने इसकी फ्लेम रखा हुआ है उस पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ये समोसे हमारे फ्राई हो गए, उनको हम निकाल लेते हैं।